पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस जाना था, लास्ट पॉइंट वही था हम लोग का। आज उसी को एक बार मैं फिर रिकैप करूंगा और उसके बाद कुछ आगे के पॉइंट्स मैं बताऊंगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस के बारे में थोड़ा जान लें। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक बार ऐसे मैंने ये कल बताया था लेकिन फिर मैं आज बता दे रहा हूँ, ताकि क्योंकि ये एक थोड़ा क्रिटिकल टर्म है और जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट टर्म रहता है मैं उसे दोबारा बताता हूँ हर जगह, चाहे वो 9th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, दोनों के वीडियोस में ऐसा मैं करता हूँ, इसलिए क्रिटिकल थोड़ा टर्म लगा मुझे तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहला डिस्टेंस, डेफिनेशन क्या था, यह है लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, ये टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड है। आप इसको पूरे डेफिनेशन में जब आप अपना एग्जाम लिखिएगा तो पूरा लिखिएगा कि इट इज अ लेंथ ऑफ टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, लेकिन मैं अभी नटशेल में छोटे छोटे टुकड़ों में इसे बता दे रहा हूँ केवल मेन पॉइंट्स के रूप में। और यहाँ क्या लिखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कैसा क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब यदि कोई पूछे तो हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ये सब मैंने बता चुका हूँ मैग्नीट्यूड मीन्स होता है वैल्यू। और यहाँ ये कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ये दो चीज हो गए। तीसरा डिस्टेंस जो है वो यदि रहेगा, डिस्टेंस कहेंगे तो वो जीरो कभी भी नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम। दूसरी बात, अगली बात कि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। नेगेटिव एग्जांपल में दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ईस्ट की ओर चलना, ये ईस्ट है मैप में, ये ईस्ट होता है, ईस्ट की ओर चलना आपने पॉजिटिव माना है, तो मान लिया 5 किलोमीटर ईस्ट चले तो +5 लिखे, अब यही इस तरफ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, -5, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है। और लास्ट बात, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, तो ये कैलकुलेशन इसका कैसे होगा, सिंपल अलजेब्रा से, कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसका, सिंपल अलजेब्रा से। और इस वाले का कैलकुलेशन किससे होगा, तो वेक्टर अलजेब्रा से इसका कैलकुलेशन होगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना, इतनी बातें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। इसके बाद अब है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में मैग्नीट्यूड वाइज क्या ये रिलेशन, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू वाइज, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हमेशा होता है, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, या डिस्प्लेसमेंट ही बड़ा होता है, कोई तो बड़ा होगा या कोई तो छोटा होगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में इस बात का जिक्र चल रहा होगा, यहाँ मैंने डिफरेंस बताया है, फिर भी यदि दिक्कत आए तो आप लोग पूछे जरूर, कमेंट बॉक्स में पूछें, जो लोग पर्सनली जानते हैं वो लोग पर्सनली पूछें, लेकिन जहाँ भी प्रॉब्लम हो दिक्कत हो तो बताएं। अब इसके बाद जो है हम लोग जानेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या क्या रिलेशन, क्या रिलेशन है। फाइनल रिलेशन निकालने से पहले मैं 2-3 बातों पर आपको फोकस कराना चाहूँगा। अब वो बातें हैं, 3 बातें, कि पहला 3 चीज़ें होती है, देखिए, एक बड़ा, छोटा और बराबर,
तो कौन बड़ा है, कौन बराबर है, कौन छोटा है, या ये दो भी हो सकता है कभी कभी, कभी कभी बड़ा और बराबर दोनों होता है, छोटा और बराबर दोनों होता है, तो ऐसी ऐसी केसेस होंगे। तो देखिए अक्सर जो है हम लोग 90% केसेस में डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, ठीक है, मोस्ट केसेस। अभी इसको ये पूरा क्लियर नहीं मान लीजिएगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आप कोई भी एग्जांपल मान लीजिए, यहाँ से आप जापान गए, जापान से घर आ गए, तो मैंने कल ही बताया था कि डिस्टेंस तो आपका बहुत सारा हजारों किलोमीटर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि आपका इनिशियल पोजिशन भी आपका घर था, और कितना अभी घूमे उसका फाइनल पोजिशन भी आपका घर ही हो गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच के डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बीच में कोई डिस्टेंस रहा ही नहीं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजिशन जो ओवरलैप कर गया, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि डिस्टेंस जो है वो बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से मोस्ट केसेस में। लेकिन यदि कल मैंने एक बात और बताई थी कि यदि हम ए से बी स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं और इसकी दूरी है 500 मीटर, ए से बी हम गए, मात्र ए टू बी जा रहे हैं, समझ लीजिए, तो यहाँ पर ऐसे केसेस में बताइए आपकी डिस्टेंस क्या होगा, 500 मीटर, और आप ही बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इनिशियल और फाइनल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन ए, फाइनल पोजिशन बी, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 500 मीटर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। तो एकमात्र केस है जब वो बराबर होता है, यानी कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, कब? स्ट्रेट लाइन मोशन में, स्ट्रेट लाइन में जब कोई बॉडी मूव करेगी तब जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब है कि तो इन दोनों को कनेक्ट कैसे करें, एक लाइन में हमको बोलना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन, तो एक लाइन में हम कैसे बोलेंगे, तो सिंपल देखिए मैं एक सिंपल आज बताने जा रहा हूँ। डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैं साइन का नाम भी लिख दूँ, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि बड़ा भी और बराबर भी, बड़ा या बराबर, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है, और एक केस ऐसा है जिसमें बराबर हो सकता है। ये एक क्वेश्चन का मैंने आपका जवाब भी दे दिया, एनसीईआरटी का एक इंटेक्स्ट भी है क्वेश्चन, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है या नहीं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा चीज़, और उसके बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट को अब आप बना सकेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं कुछ, उनको आप बना सकेंगे, उनकी चर्चा मैं कर दूंगा अभी, और उनको आप आराम से बना पाइएगा, तो अगले दिन मुझे वो बना करके वीडियो में ये मुझे भेजिएगा, और जो लोग वीडियो देखते हैं वो लोग अपना पर्सनली बना देंगे। वो है क्या, थोड़ा सा मैं बता दूँ, और उसके बाद फिर अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर मैं जो क्वेश्चंस हैं उनकी मैं चर्चा कर दूँगी, ठीक है। और एक सर अभी मैं तो बना ही रहा हूँ, ऐसा आप टेंशन ना लेंगे, जिनका छूट जाएगा तो फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर मैं इंटेक्स्ट की ओर आऊँगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना। जो लोग अभी कर रहे हैं करेंटली, तो वो करेंटली कर ले, क्योंकि खुद से कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और नहीं तो फिर तो मैं वीडियो जब ये पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा तो मैं वापस इसको बताऊंगा, तो वहां पर आपको ये आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग बस अभी जानेंगे कि मोशन जो है वो कितने टाइप से होता है। तो मोशन दो टाइप का होता है, आप ही बताइए। मोशन मीन्स
पोजीशन चेंज करना है। पोजीशन कितने हिसाब से चेंज कर सकता है? दो हिसाब से। एक वो हिसाब हुआ कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना, मतलब हर एक मान लीजिए 2 मिनट में वो 2 मीटर चल रहा है। और दूसरा क्या हुआ, पहले 1 मिनट में 2 मीटर, दूसरे मिनट में 4 मीटर, फिर 6 मीटर, ऐसे अलग अलग फिर 2 तरीके के मोशन होंगे। इनका नाम है, पहले का है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरे का है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसके डेफिनेशन के बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे, कल के वीडियो में करेंगे। फिलहाल जो अभी आपको करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के बाद, वो मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। एनसीईआरटी बुक में आपको ये एनसीईआरटी बुक में आप बुक उठाइए, चैप्टर नंबर 8 है शायद, वहाँ आप चले जाइए। चैप्टर नंबर 8, ये देखिए वीडियो में दिख रहा होगा, यहाँ टॉपिक है डिस्क्राइबिंग मोशन। तो आपको क्या करना है, होमवर्क जो आपका है उसको आप लिख लीजिए। होमवर्क जो आप लोगों का है आज का, वो है जितना नोट्स हुआ उसको तो करना ही है, नोट्स आपको करना है जितना मैं बता चुका हूँ, जहाँ तक आपके पास गया है नोट्स या जितना आपको नोट्स मिला उनको नोट्स एक जगह कलेक्ट कीजिए फिलहाल। और आपको क्या करना है कि पेज नंबर ये है आपका 98 और 99, इसको साथ ही साथ रीड करना है एकदम खूब बढ़िया से, रीड करना है एकदम थॉरो रीड करना है। और उसमें किसी भी लाइन में प्रॉब्लम है, ये जो 2 पेजेस है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको वीडियो में, ये दिख रहा होगा आपको, ये 98 पेज नंबर और ये 99 शुरुआत के ही 2 पेजेस, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक की बातें दी गई हैं और यहाँ तक को आपको बना लेना है, मतलब पढ़ लेना है अच्छे से, और कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछना। और उसके बाद आया यहाँ आप देख रहे हो इंडेक्स क्वेश्चन से, ठीक है, इनको मैं थोड़ा चर्चा कर दूँ। पहला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसका वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो कुछ डिस्टेंस गया है, ट्रेवल किया है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? तो एकदम हो सकता है। मान लिया कि हम गोल चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ से हम चलना शुरू किए और एक चक्कर मान लो लगा लिए, तो वी हैव कवर्ड सम डिस्टेंस। बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके पास, जो एग्जाम्पल मैंने हुआ वो आप दें, मैंने आपको एक हिंट किया कि सर्कुलर मोशन में मान लीजिए वो एक राउंड शुरू किया जहाँ से वहाँ आ गया, तो एक राउंड कंप्लीट किया तो वो डिस्टेंस तो ट्रेवल किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो एक एग्जाम्पल हो गया आपका ये। सेकेंड में ये, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ स्क्वायर फीट ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। एक फार्मर है जिसका कि खेत है 10 मीटर का, और वो पूरा चक्कर जो है वो 40 सेकेंड में, मान लीजिए यहाँ से वो शुरू किया ए बी सी डी, तो 40 सेकेंड में वो पूरा चक्कर लगा लेता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो आप बताइए 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, 120 सेकंड में क्या होगा बताइए? 40 मिनट में वो यही एक बार राउंड मारेगा, क्योंकि बोल रहा है 40 सेकंड में एक बार घूमेगा, फिर अगले 40 सेकंड में 2 बार, फिर 3 बार, तो 3 बार तो 120 सेकंड खपत हो गए, अब कितना सेकंड बच गया? 20 सेकंड, तो यहाँ से फिर चलेगा तो वो आके आधा दूरी पर रुकेगा, यहाँ रुक जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? ये वाला जो लाइन है, चूंकि डिस्प्लेसमेंट का क्या हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी हो गई, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी, इसी का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके। कौन सा यूज़ कीजिएगा? आप लोग 8 में भी सर पढ़ाए होंगे आपको पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर,
तो इसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। और लास्ट ट्रू फॉल्स करना है थर्ड में, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, वो आप खुद से कर लीजिएगा। और फिर भी कोई डाउट हो तो अगले वीडियो में आप पूछिएगा।